थोड़ी देर पहले दुखद खबर आई है नरसिंहपुर से, जहां जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज का निधन हो गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज करोड़ों सनातन हिंदुओं की आस्था के ज्योति स्तंभ है। जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी स्वरूपानंद महाराज ने अब से थोड़ी देर पहले दोपहर में 3:30 बजे 99 साल की उम्र में अपनी अंतिम सांस ली और सभी को विदा कह गए। हम रुक करेंगे, राज्यसभा सांसद कांग्रेस से विवेक तनखा साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक जी, बहुत दुखद खबर मैं इसे कहूंगा, अभी कुछ दिन पहले आपने तो प्रत्यक्ष उनके अवतरण दिवस पर बधाई भी दी थी 99 साल पर। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे, धर्म के रक्षक भी रहे, ध्वजावाहक भी रहे, अब हमारे बीच नहीं रहे महाराज जी। मेरे लिए तो स्वयं बहुत ही दुखद खबर है। मेरे तो गुरु जी थे, परिवार के गुरु जी थे, मेरे घर के पक्ष से, ससुराल के पक्ष से, सब जगह गुरु जी का बहुत ही सम्मान था, बहुत आदर था। उनका जो आश्रम है उसका उसका वो जो उसका गांव है उसका नाम है श्रीनगर। हम लोग, आप जानते हैं कि हम लोग कश्मीरी पंडित हैं, और वो पुराने जमाने में जब ये जमीने मुशान परिवार को जब वहां पर आए थे गुरकोटे गांव में, नोनी में और शांति परिवार में, तब से गुरु जी से इन लोगों के संबंध थे। और सबसे बड़ी बात थी, वो मुझे बहुत चाहते थे। एक प्रकार से मैंने दीक्षा ली हुई थी उनके अधीन और मेरे को बहुत आशीर्वाद था। मैं उनका वकील भी था और सुप्रीम कोर्ट में जो उनका केस था नॉर्थ की वो जो पीठ को लेके, और उसमें उसमें जो जो पैरवी की थी वो मैंने ही की थी। तो मैं तो एक प्रकार से उनका उनका कृपा पात्र भी था, उनका विश्वास पात्र भी था। मेरे को बहुत स्नेह से देखते थे और मुझे तो बहुत ही शौक लगा, बिकॉज मेरे को मैं सोच रहा था कि गुरु जी 100 वर्ष जरूर पूरे करेंगे और इसी मारे हम लोग सब आशान्वित थे कि वो ठीक हो जाएंगे, मगर ईश्वर का कुछ और ही इरादा था। मैं तो चाहता हूँ कि गुरु जी जहाँ रहे सबको आशीर्वाद देते रहें, शांति से भगवान उनको पूरी शांति प्रदान करे। और लाखों हम लोग लाखों करोड़ लोगों की आस्था का वो केंद्र है गुरु जी, और मेरे को पता है कि सनातन धर्म के बहुत बड़े स्तंभ थे। ईश्वर हम सबको शक्ति दे इस गहन दुख के समय में। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और बड़ी क्षति है विवेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, विवेक तनखा साहब हमारे साथ जुड़े और उन्होंने बताया कि एक बड़ी क्षति है उनका, काफी जुड़ाव रहा है, समय समय पर आशीर्वाद लेने वो स्वामी जी का जाते थे। हमारे साथ इस वक्त मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एनपी प्रजापति साहब फोनलाइन पर जुड़ गए। प्रजापति जी, मुझे ऐसी जानकारी लगी है कि आप शायद वही हैं जहां स्वामी जी का निधन हुआ है थोड़ी देर पहले। आखिरी क्या आपकी उनसे आखिरी भेंट हुई थी, आखिरी आशीर्वाद जब आपने लिया, अस्पताल में वो भर्ती थे, बड़ी क्षति हुई है। जी हाँ, मैं यहीं पर हूँ जहाँ गुरु जी का अंतिम सांस 3:17 पे हुई। अभी उनका जन्मदिन था 30 तारीख को, जब 99 वर्ष पूर्ण करके वो 100वें वर्ष में प्रवेश किए, वो मेरे अंतिम दर्शन थे और उनका अंतिम आशीर्वाद हाथ उठा के मेरे प्रति था। विश्व के सनातन धर्म के सबसे बड़े विद्वान और 100वें वर्ष पूर्ण करने जा रहे ऐसे महात्मा बिरले होते हैं, अद्वितीय होते हैं। ये वो सनातन धर्म के धर्माचार्य थे जिन्होंने धर्म के प्रति, सनातन के प्रति, अगर किसी ने धर्म में किसी दूसरे धर्म को घुसेड़ना चाहा तो उनने हमेशा सनातन धर्म का ही पक्ष लिया और सनातन धर्म को मजबूत किया। जगत गुरु शंकराचार्य जी दो पीठ के शंकराचार्य, आजादी के समय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ऐसे कोई शंकराचार्य नहीं। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी क्षति भारत हिंदुस्तान के लिए, एक सनातन धर्मी जो विद्वान के साथ साथ न जाने कितने चीजों के विद्वान थे, वो निकलते थे तो लोग सिर नवाते थे, उनको तो नवाते थे लेकिन मान के चलते थे हम हिंदू, हम सनातन धर्मी अपने धर्माचार्य के प्रति साष्टांग हो रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। और उनका स्नेहमयी ममतामयी चेहरा जब आपके तरफ मुस्कान बिखेरता था, वो अमिट छापे यादें
हमेशा रहेंगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत धन्यवाद प्रजापति साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये एक बड़ी क्षति हम इसे कहेंगे, जाहिर है सनातन धर्म के वो रक्षक भी थे, ध्वजवाहक भी थे और दो मठों के शंकराचार्य भी थे, और अभी हाल ही में 10-12 दिन पहले 30 तारीख को उनका अवतरण दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया था। 100वें वर्ष में वो प्रवेश कर चुके थे, लेकिन पता नहीं था कि अवतरण दिवस के 12 दिन बाद एक ऐसी दुखद खबर मिलेगी स्वामी जी के बारे में। आज हर कोई स्तब्ध है, आज 99 वर्ष की आयु में दोपहर 3:30 बजे लगभग ज्योतेश्वर में ही उन्होंने अंतिम सांस ली और उनका निधन हुआ। उनकी ये जानकारी मिली, दुखद खबर मिली, जैसे ही हर कोई स्तब्ध है। सनातन धर्म के ध्वजवाहक अनंत श्री विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी काफी बीमार भी चल रहे थे, अस्वस्थ चल रहे थे, कई अनुयायियों के प्रेरणा स्रोत थे। हमारे साथ पीसी शर्मा साहब कांग्रेस नेता फोनलाइन पर जुड़ गए। शर्मा जी क्या कहेंगे, एक बड़ी क्षति तो हुई है, लेकिन बड़े बिरले होते हैं ऐसे संत जो धर्म के रक्षक होते हैं, ध्वजवाहक होते हैं। 99 वर्ष की उम्र में अब स्वामी सरस्वती महाराज हम सभी को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। दो पीठों के शंकराचार्य इस पर ज्ञान के मामले में उनका जब भी होते तो पहला प्रश्न दूसरे से अलग, दूसरा स्वतंत्र ज्ञान से लेंगे ज्योतिष नर्सिंग को उन्होंने तपस्या और ज्ञान के जैसे वो दो पीठों के शंकराचार्य बने। जी मैं रोकना चाहूंगा शर्मा जी, आपकी आवाज ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन एक बार फिर हमारे साथ है एनपी प्रजापति साहब जुड़ गए फोन लाइन पर। जी प्रजापति जी आप कुछ कह रहे हैं? जी हाँ, आज शाम से उनके दर्शन के लिए सरोवर पे उनके शरीर को रखा जा रहा है, जो रात भर भी दर्शन में रहेंगे। कल दोपहर 3:30-4 बजे ज्योतेश्वर आश्रम में ही उनको समाधिस्थ करा जाएगा। यह आपके माध्यम से मैं सभी शिष्यों को और सभी सनातन धर्मियों को और उनके सभी कृपा पात्रों को सूचित कर रहा हूँ। चलिए, ये अंतिम दर्शन जो अनुयायी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। प्रजापति जी ने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है, पूरे दर्शन रहेंगे, कल दिन में भी रहेंगे जी, और उनको समाधिस्थ यही ज्योतेश्वर आश्रम में लगभग 3:30-4 बजे करेंगे। ठीक, ये एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। प्रजापति जी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने जानकारी दी है, उनकी पार्थिव शरीर को फिलहाल अंतिम दर्शन के लिए अनुयायियों के लिए, भक्तों के लिए, जो शिष्य हैं उनके लिए रखा जाएगा, और कल लगभग दोपहर के बाद उन्हें समाधिस्थ किया जाएगा। लेकिन बड़ी क्षति है, जैसे जैसे अब ये जानकारी लोगों को लग रही है, अनुयायियों को, शिष्यों को लग रही है, उनके भक्तों को लग रही है, हर कोई दुखी है, हर कोई स्तब्ध है। कईयों के, लाखों करोड़ों के प्रेरणा स्रोत थे महाराज जी, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज। लगातार उनके ठीक होने के, स्वस्थ होने के, दीर्घायु होने की सभी कामना कर रहे थे। अभी हाल ही में 30 तारीख को उनका अवतरण दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया था। और देखिए, ये वो संत थे जो आज 99 वर्ष की उम्र में हम सभी को छोड़कर चले गए, जिन्होंने अंतिम सांस ली, लेकिन जब वो 9 वर्ष के थे, ये बात आज से 90 साल पुरानी है। 90 साल पहले जब वो लगभग 9 वर्ष के थे, तभी उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और भारत के उत्तर प्रदेश के काशी नगरी पहुंचे, जो धार्मिक नगरी है, काशी नगरी, भोलेनाथ की नगरी, वहां पहुंचे, प्रसिद्ध तीर्थों, स्थानों और संतों के उन्होंने दर्शन किए, और उसके बाद करपात्री महाराज की राजनीतिक दल रामराज्य परिषद के वो अध्यक्ष बने। उन्होंने मध्य प्रदेश में करीब 6 महीने तक जेल में सजा काटी और वाराणसी में 9 महीने तक जेल में सजा काटी। आजादी के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया। आपने देखा होगा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे देश में कई हुए हैं, भगत सिंह की हम बात करें, गांधी जी की बात करें, कई ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं, और उसी आजादी के लिए, भारत की आजादी के लिए स्वामी स्वरूपानंद महाराज जी ने भी अपना योगदान दिया।
9 महीने वाराणसी की जेल में रहे, करीब 6 महीने मध्य प्रदेश की जेल में रहे। 1950 में वो दंडी सन्यासी बनाए गए और सन 1981 में शंकराचार्य जी की उन्हें उपाधि मिली। 1950 में ज्योतिष पीठ के ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ब्रह्मानंद सरस्वती से दंड सन्यास की उन्होंने दीक्षा ली और स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती नाम से फिर वो जाने जाने लगे। कई अनेक राजनीतिक हस्तियां उनका आशीर्वाद लेने, क्योंकि कई राजनीतिक हस्तियों से उनका संवाद होता था, राजनीति में भी काफी उनकी देश की राजनीति में खासतौर पर आध्यात्म के साथ साथ उनकी काफी दिलचस्पी थी। धर्म की रक्षा के तौर पर सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक ध्वजवाहक के तौर पर तो वो काम करते ही थे, लेकिन देश की राजनीति में जो कुछ भी उठापटक होती थी, या हम कहें देश के विकास के लिए और क्या बेहतर संभावनाएं हो सकती हैं, राजनेताओं को सरकारों को क्या कड़े फैसले लेने की आवश्यकता है, जरूरत है, ये भी वो समय समय पर बताते थे। आज शाम से ही उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को, देह को रखा जाएगा उनके भक्तों के लिए, अनुयायियों के लिए, ताकि उनके अंतिम दर्शन कर सके। सुरेश पचौरी केंद्रीय मंत्री, फग्गन सिंह कुलस्ते छत्तीसगढ़ के भी कई ऐसे मंत्री रहे हैं, रविंद्र चौबे, बात मध्य प्रदेश से करें तो दिग्विजय सिंह, विवेक तनखा, कई ऐसे राजनीतिक हस्तियां, राजनेता जो समय समय पर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का आशीर्वाद लेने पहुंचते थे। और धर्म हमेशा आगे बढ़े, धर्म की रक्षा हो, इसके लिए हमेशा स्वामी जी प्रयास करते थे। देश के आम नागरिकों से वो ये कहते थे कि धर्म की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है, बच्चों को हम अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, ये हमारी जिम्मेदारी है। 30 तारीख को ही हाल ही में 10 दिन 12 दिन पहले दिग्विजय सिंह ने उनका आशीर्वाद लिया था, उन्हें उनके अवतरण दिवस पर, उनके प्राकट्य दिवस पर उन्हें शुभकामनाएं दी थी। और लगातार जैसे ही उनके भक्तों अनुयायियों को ये जानकारी मिल रही थी कि स्वामी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनकी सेहत अभी ठीक नहीं है, उनका इलाज चल रहा है, सभी उनके दीर्घायु होने की और जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे थे, लेकिन शायद ईश्वर को यही मंजूर था। उनके अवतरण दिवस के 12 दिन बाद ये एक दुखद खबर आ जाई है दोपहर में। लगभग 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। एक बार फिर हम रुक करेंगे न्यूज हेड शरद वेदी जी का, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए शरद जी। इससे पहले हमारी विवेक तनखा साहब, एनपी प्रजापति साहब से भी बातचीत हुई और उन्होंने भी बताया कि किस तरह एक ध्वजवाहक के तौर पर, एक धर्म के रक्षक के तौर पर सरस्वती जी महाराज ने हमेशा अपना पूरा जीवन उन्होंने न्यौछावर कर दिया, और क्या कहेंगे? देखिये, जैसा मैं आपसे पहले कह रहा था कि एक बहुत ही खुलकर अपनी बात कहने वाले व्यक्तित्व के तौर पर वो जाने पहचाने जाते थे। आपको याद होगा बीच में पूरे देश में, बल्कि देश के बाहर भी बड़ी चर्चा रही थी जब उन्होंने शिरडी के साई बाबा जी का विरोध करके सबको चौंका दिया था और उन्होंने कहा था कि इनके मंदिरों में जाने की आवश्यकता नहीं है और कोई भी प्रतिमा इनकी स्थापित मंदिर में ना करे। जी, मैं रोकना चाहूंगा शरद जी आपको। इस वक्त पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। पचौरी जी, एक बड़ी क्षति है जैसे जैसे अब अनुयायियों को ये जानकारी मिल रही है, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी जिनका निधन हो गया है, धर्म के रक्षक थे, ध्वजवाहक थे, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि वो मेरे परम पूज्य गुरुवर रहे हैं, मैंने उनसे दीक्षा ली थी और हम मध्य प्रदेश वासियों के लिए ये बहुत गौरव की बात थी कि दो पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती हमारे मध्य प्रदेश के ही रहे और साथ ही वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे।
चार पीठ हमारे सनातन धर्म में होते हैं उनमें ये ऐसे शंकराचार्य रहे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं और सनातन धर्म के लिए उनके ब्रह्मलीन होने से एक अपूर्णीय क्षति हुई है और निजी रूप से व्यक्तिगत मेरे लिए भी ये एक ऐसी विचलित करने वाली खबर है जिससे मैं बहुत दुखी हूँ। जी जी पचौरी साहब, लेकिन जाहिर है कि अभी 12 दिन पहले ही उनका अवतरण दिवस, प्राकट्य दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया था। किसी को अंदाजा नहीं था कि 12 दिन बाद उनके ब्रह्मलीन होने की एक ऐसी दुखद जानकारी, एक ऐसी दुखद खबर मिलेगी। देखिए, उनके अवतरण दिवस के अवसर पर मैं अनेक वर्षों से निरंतर जाता रहा हूँ और इस वर्ष भी गया था। कमलनाथ जी भी मेरे साथ ही थे और उस समय उनका दर्शन करने का सौभाग्य हमें मिला था। आप सही कह रहे हैं, ये हमने कल्पना भी नहीं की थी कि हमारे गुरुदेव हमारे बीच से इतने जल्दी ब्रह्मलीन हो जाएंगे। चलिए, धन्यवाद पचौरी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेश पचौरी जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, हमारे साथ जुड़े और अपना उन्होंने इस दुखद खबर पर उन्होंने बताया कि वो काफी आहत है, काफी स्तब्ध है। वो खुद हर वर्ष जब प्रत्येक वर्ष अवतरण दिवस स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का अवतरण दिवस मनाया जाता था तो प्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद लेने के लिए जाते थे। उन्होंने दीक्षा ली थी, लेकिन एक बड़ी क्षति है ये धर्म के लिए। हमारे साथ महामंडलेश्वर अवधेश पुरी महाराज जी जुड़ गए हैं। महाराज जी, बड़ी क्षति हुई है, ब्रह्मलीन हो गए हैं स्वामी शंकराचार्य स्वरूपानंद जी महाराज। जी, मैं सर्वप्रथम उनके लिए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा और साथ ही मैं कहूंगा कि यह सनातन धर्म और संस्कृति दोनों की एक बड़ी क्षति है, अपूर्णीय क्षति इसको कहना चाहिए, क्योंकि वह सनातन धर्म के बहुत ही एक अद्भुत और अद्वितीय संत थे, अप्रतिम थे। किसी भी विषय पर जिस प्रकार से वो अपनी प्रतिक्रिया रखते थे, हालांकि उनकी जो उनके मतों का अधिकांशतः उनकी प्रतिक्रियाओं का उनके विचारों का विरोध होता था, क्योंकि लोग कांग्रेस से जुड़ा हुआ मान करके उनकी बात का विरोध करते थे, लेकिन सही बात यह है कि वह जो बोलते थे वह सनातन धर्म के पक्ष में बोलते थे और बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान थे और भगवान ने बहुत लंबी उम्र भी उनको दी, बहुत लंबी उम्र में गए हैं, बड़े दिव्य संत थे। तो मैं चाहूंगा कि उनके जाने के बाद में सनातन धर्म को निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी क्षति हुई है और भगवान निश्चित रूप से अपने श्री चरणों में उनको स्थान प्रदान करें और जी उनके स्थान पर जो भी आए वह भी राष्ट्र धर्म और संस्कृति का ठीक उन्हीं के प्रकार से अनुपालन करते हुए संरक्षण करें, ऐसी अपेक्षा भी करूंगा। जी धन्यवाद महाराज जी हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ महामंडलेश्वर जी जुड़े और जाहिर है अब एक बड़ी क्षति तो हम कहेंगे, लेकिन सभी ये जानकर बड़े हैरान हैं, काफी दुखी हैं। एक महान विभूति, हमारे धर्म के रक्षक, जो अब ब्रह्मलीन हो गए। हमारे साथ न्यूज़ एट शरद द्विवेदी जी लगातार बने हुए हैं। शरद जी, अपनी बात रखिए। आप कह रहे थे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज उस वक्त काफी सुर्खियों में आए थे जब शिरडी के साई बाबा को लेकर उन्होंने टिप्पणी की थी और काफी एक बहस छिड़ गई थी देश में। बिल्कुल, और वो अपनी बात बहुत खुलकर और बहुत स्पष्ट तौर पर रखने में कभी गुरेज करते हुए नजर नहीं आए और यही वजह थी कि उन्होंने ये विषय भी, जो शिरडी के साईं बाबा के विरोध का विषय था, उसको भी उन्होंने पूरी ताकत से उठाया। और इसके पहले जब उत्तराखंड में गंगा नदी पर बड़े बड़े बांध बनने का विषय था तो उन्होंने दिल्ली में धरना भी दिया उसके विरुद्ध और तत्कालीन जो भी बांध विरोधी आंदोलन वहां चल रहे थे उन सबके पक्ष में उन्होंने अपना समर्थन भी व्यक्त किया। धारा 370 को लेकर भी उनका स्पष्ट अभिमत था कि इसे हटाया जाना चाहिए। तो अनेक अनेक ऐसे विषय रहे हैं जिन पर आमतौर पर हम धर्माचार्यों को बहुत खुलकर बोलते हुए नहीं देखते हैं और उसकी वजह एक ही रहती है कि वो अपने आप को धर्म बिंदुओं तक, धार्मिक और वैदांतिक दर्शन, सनातन दर्शन तक ही जोड़कर रखते हैं। लेकिन शंकराचार्य उस परंपरा के आचार्य और संत नहीं थे,
वो हमेशा समसामयिक संदर्भों पर न सिर्फ गहरी और तीक्ष्ण निगाह रखते थे, दृष्टि रखते थे, बल्कि उन विषयों को मीडिया के माध्यम से अभिव्यक्त करने में भी, उनको व्यक्त करने में भी वो कभी पीछे नहीं हटते थे। और यही वजह है कि अनेक बार, जैसा मैंने पहले भी कहा कि उन पर ऐसा आलोचना का एक पक्ष और एक आरोप उनकी तरफ जाता भी था कि वो एक विचारधारा और एक दर्शन, राजनीतिक दर्शन के प्रति उनके चिंतन दर्शन में कहीं झुकाव नजर आता है। लेकिन शंकराचार्य जी न कभी से विचलित हुए और न कभी उन्होंने इसकी कोई परवाह की। वो जिस सोच और दृष्टि को लेकर आगे बढ़ते रहे, उसी को लेकर वो निरंतर चलते रहे। कुछ समय पहले काफी नेताओं का जाना उनके आश्रम में हुआ और सबसे महत्वपूर्ण था कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी, वो भी जाकर उनसे मिले थे और इसे इसकी चर्चा भी रही थी, क्योंकि ऐसा माना गया कि कहीं ना कहीं प्रहलाद पटेल जी और शंकराचार्य जी एक दूसरे की दर्शन, राजनीतिक दर्शन और शैली को लेकर उनके कुछ रिजर्वेशन आपस में रहे हैं और बड़े ही स्ट्रांग रिजर्वेशन रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी जैसे कुल शंकराचार्य जी को भी भान था कि अब ये शरीर छूटने वाला है, तो सभी से मिलना मिलना है, और जैसे बाकी लोगों को भी या तो मैसेज था या वो भी ये महसूस कर रहे थे कि इनसे मिलकर इस गुरु को प्रणाम करना आवश्यक है। अभी 4-5 वर्षों पहले तक वो काफी सक्रिय थे, हालांकि शरीर उनका काफी, उनका वजन बढ़ गया था, व्हीलचेयर पर वो चलते थे, लेकिन भोपाल में भी यमनेश्वर मंदिर के समीप जो उनका आश्रम है वहां उनका आना निरंतर होता था, और भोपाल में आमतौर पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनके कार्यक्रम जी वहीं पर संपन्न होते थे। तो निश्चित तौर पर एक बहुत ही ऐसे संत रहे जिनकी राजनीतिक चेतना, राजनीतिक जागृति भी बड़ी गहरी थी। बिल्कुल शरद जी, हमारे साथ इस वक्त उज्जैन से महाकाल मंदिर से आशीष पुजारी जी इस वक्त जुड़ गए हैं। आशीष जी, निश्चित ही एक बड़ी क्षति, हम कहेंगे धर्म के लिए एक बड़ी क्षति है, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ब्रह्मलीन हो गए। आपकी कोई एक ऐसी याद जब आखिरी बार महाराज जी जब पूजा के लिए पहुंचे हों, क्योंकि पूजा समय समय पर कई दफा आपने भी कराई है, महाराज जी से जुड़ी आपकी कोई याद? देखिये, ये हिंदू सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ी क्षति है जिसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता है। स्वामी जी का जिस तरह का स्वरूप और जिस तरह के विचार थे, उससे राष्ट्र को एक नई दिशा मिली है। हम जब पहली बार 97 में महाकाल मंदिर में जब रुद्र यंत्र गिर चुका था और चारों तरफ पूरे विश्व के अंदर इस यंत्र के बारे में चर्चा चली थी, यंत्र क्या है और कैसे इसका काम किया जाएगा, जब स्वरूपानंद सरस्वती जी गुरु जी के निर्देश अनुसार रुद्र यंत्र की एक कमिटी बनाई थी और उस कमिटी के अंदर मैं भी मौजूद था, और उस कमिटी ने बाबा महाकाल का जो रुद्र यंत्र है वो बनाया था, जब स्वामी जी के पास हम रुद्र यंत्र को लेकर गए तो स्वामी जी ने उस रुद्र यंत्र को देखकर कहा कि इसकी प्रतिष्ठा करने में स्वयं मां उज्जैन आऊंगा। और 97 में 11 जुलाई को वो उज्जैन आए और उनके माध्यम से ही महाकाल के गर्भगृह में जो रुद्र यंत्र स्थापित है पूरा उनके माध्यम से, उनके मार्गदर्शन में, उनकी आज्ञा अनुसार पूरा कार्य किया गया है। तो ये हमारे लिए, सनातन धर्म के लिए, ब्राह्मणों के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है जिसको पूरा नहीं किया जा सकता है। मैं भगवान आज महाकाल से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान महाकाल उनके रहीम में उनको स्थान दें, और राष्ट्र के लिए जिस तरह से उन्होंने पूरे विश्व के लिए किया है, उनके जो एक शब्द है वो एक शब्द श्लोक के समान है, जिन्होंने गौ माता के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, राम जन्मभूमि के लिए, वास्तव के अंदर आज हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति का दिन है। धन्यवाद आशीष जी हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ महाकाल मंदिर से आशीष पुजारी जी जुड़े, और देखिए उन्होंने 1997 का वो किस्सा, वो याद जाहिर की है। उन्होंने कहा कि जब रुद्र यंत्र स्थापित करने के लिए जो कमेटी बनी थी उसके वो खुद स्वयं सदस्य थे, और जब स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज को वो रुद्र यंत्र बताया गया, उन्होंने इच्छा जाहिर की कि वो स्वयं महाकाल मंदिर में गर्भगृह में पहुँच कर उसे स्थापित करेंगे। 1997 की ये बात है। और मध्य प्रदेश के ही पूर्व मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट किया है, स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के निधन पर कमलनाथ ने ट्वीट किया है,
शंकराचार्य जी के देवलोक गमन का समाचार बेहद दुखद है। गुरु जी का आशीर्वाद और स्नेह हम सभी पर सदैव बना रहे। उनके देवलोक गमन से हर कोई स्तब्ध है, हर कोई दुखी है। और कमलनाथ ने ट्वीट किया है, जैसे ही उन्हें ये जानकारी मिली, ये खबर मिली, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद महाराज ब्रह्मलीन हो गए। 99 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। आज शाम को अंतिम दर्शन के लिए उनकी पार्थिव देह रखी जाएगी, ताकि उनके भक्त, उनके अनुयायी उनका अंतिम दर्शन कर सके। और उसके बाद कल सोमवार को दोपहर के वक्त ज्योतेश्वर में ही आश्रम में उन्हें समाधि दी जाएगी। स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज से समय समय पर कई राजनीतिक हस्तियां उनका आशीर्वाद लेने जाती थी। कई राजनीतिक हस्तियों के गुरु थे वो। कई राजनीतिक हस्तियों को उन्होंने दीक्षा दी थी। अभी अभी बंसल न्यूज पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी साहब भी जुड़े, विवेक तनखा साहब भी जुड़े, जिन्होंने ताज़ा यादें साझा की, कैसे आशीर्वाद लेने के लिए वो स्वामी जी का जाते थे। स्वामी जी का आशीर्वाद उन पर हमेशा रहा है। तो स्वामी जी का जाना निश्चित ही धर्म के ध्वजवाहक के तौर पर, धर्म के रक्षक के तौर पर उनकी एक बड़ी क्षति है और हर कोई दुखी है, जैसे ही अब ये जानकारी लोगों को मिल रही है।